नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों कई लोग नहाते समय शरीर के कुछ हिस्सों पर साबुन लगाने की गलती करते हैं, जिसका नुकसान उन्हें बाद में चुकाना पड़ता है। दरअसल नहाते समय अगर आप भी अपने खास अंगों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाएं, आपका ऐसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो अंग जहाँ हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टरों की माने तो शरीर के गुप्त हिस्सों पर साबुन लगाने से वहाँ की त्वचा नरम पड़ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को खुजली की समस्या हो सकती है। डॉक्टरों की माने तो कई लोग नहाते समय शरीर के गुप्त हिस्सों पर एक बार नहीं बल्कि कई बार साबुन लगाते हैं, उनका ऐसा करना खतरे की निशानी है। बता दें, शरीर पर एक से अधिक बार साबुन लगाने से उस जगह अधिक पसीना आता है, जिसकी वजह से वहाँ की त्वचा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन काफ़ी सख्त भी हो जाती है। बावजूद इसके अगर आपको शरीर के संग पर खुजली की समस्या हो रही हो तो समय रहते इसका इलाज करवा लें, वरना ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन अगली बार नहाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको अपने गुप्त अंगों पर साबुन नहीं लगाना है। इसके अलावा कई लोग नहाने के बाद टॉवल से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। ऐसा करते समय उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी त्वचा ज़्यादा साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहाने के बाद टॉवल से त्वचा को रगड़ रगड़ कर साफ करने से स्किन ड्राई हो सकती है। इतना ही नहीं, शरीर से बाल झड़ने का खतरा भी बना रहता है।